वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमने बनाई हैं चॉकलेट केक बार्स, और ये बार्स बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं और खाने में उतनी ही मज़ेदार। आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। तो चॉकलेट केक बार्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पाउडर शुगर और 1 ही कप मैंने मैदा लिया है। यहाँ पर आपने शुगर और मैदे की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है कि ये दोनों इक्वल हों। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1/4 कप, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। दूध लिया है 1/3 कप, आपने आधे कप में से थोड़ा सा दूध निकाल देना है तो वो 1/3 हो जाएगा। मरिंडा एसेंस चाहिए हमें 1 चम्मच। 4 अदद अंडे लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर पर हैं। 2 चम्मच कोको पाउडर के लिए हैं और 1 चम्मच यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर। आइए चलते हैं और जाकर चॉकलेट केक बार्स रेडी करते हैं। ग्रीस कर लेंगे पैन को, रेडी करके रखेंगे। यहाँ पर चाहिए 1 अदद बाउल, 4 अंडे मैंने बाउल में निकाल लिए हैं और अब हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 7 मिनट तक। अच्छा जी, इसको मैंने 7 मिनट तक बहुत अच्छा बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। शुगर को हम इसके अंदर पोर्शंस में ऐड करेंगे, एक ही बार हम सारा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ इसको हम बीट करते जाएंगे। ये देखें जी, ये कंसिस्टेंसी है इसकी, ये डन हो गया है। ठीक है, इस तरह से तैयार हो जाएगा ये बीटर को। अब हम यहाँ से हटा देंगे। अब ऐड कर दूंगी इसके अंदर दूध, ऑयल, वनीला एसेंस, मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर। छान लेंगे इसको अच्छे से। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इसको। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको जो बेकिंग पैन है जिसको हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ था उसके अंदर इसको डाल दूंगी। चलें अब हम इसको टैप कर देंगे। ठीक है, और हम इसको रख देंगे उस पतीले में जिसको हमने ऑलरेडी हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखी है। कवर कर दूंगी इसको और 35 से 40 मिनट तक इसको बेक होने दूंगी। जी व्यूअर्स, 40 मिनट गुजर गए हैं और केक को मैंने निकाल लिया है बाहर। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे इसमें से। नाइफ की मदद से हम इस तरह से इसको क्लियर करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बटर पेपर इसका रिमूव करेंगे। ये लेंगे माशाल्लाह, बहुत नाइस केक जो है ये रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इसकी हो गई है और आप ये देखें जी कितना ये ज़बरदस्त रेडी हुआ है, और ये देखें कितना सॉफ्ट है। ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी से इसके जो कटिंग का साइज़ उसको रख सकते हैं। और अब हम इसके लिए चॉकलेट की कोटिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है डार्क चॉकलेट का, क्रेव की डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। डबल बॉयलर से हम इसको मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट हो गई है मेल्ट। यहाँ पर मैंने ली है 1 ट्रे जिसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर भी छा लिया है, और ये रहे केक्स मेरे पास। ठीक है जी, तो अब मैं एक एक यहाँ से पीस उठाती जाऊँगी और मैं इसके अंदर डिप करती जाऊँगी। अब हम उठाएंगे एक पीस, देखें इसको।
ये देखें ऐसे हम उसको निचोड़ेंगे और हम यहाँ पे रखते जाएंगे और ऐसे ही हम सारे के सारे पीसेस लगाते जाएंगे और इस तरह हम रखते जाएंगे। फाइनली द चॉकलेट केक बार्स आर रेडी एंड दीज बार्स आर वेरी टेस्टी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।